हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम आपके लिए गुणनीति लेकर के आए हैं 14th। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन। तो हम लोग जो है इन टॉपिक्स में जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिविजन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में है, द ग्राफ बिटवीन द टू टेम्परेचर्स के ए एंड बी इज शोन इन फिगर। Between upper fixed point and the lower fixed point, there are 150 equal divisions on scale A and 100 on scale B. The relationship for conversion between the two scale is, ठीक है? तो हमारा जो y-axis है, y-axis पे temperature A दे रखा है। y-axis पे A scale है और x-axis पे B scale है। B scale है, ठीक है? x-axis पे जो है वो temperature B है। ये 150 है ना, तो ये वाला जो point हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये point हमारा 180 है। अगर हम स्लोप देखेंगे इसका, ठीक है, अगर हम इसका स्लोप देखेंगे तो स्लोप हमारा हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 100। तो 150 डिवाइडेड बाय 100, तो स्लोप हमारा हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए y इक्वल टू mx प्लस c लिख लेते हैं। यहां से लिख लेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये हो जाएगा ta इज इक्वल टू स्लोप का 3/2 इनटू ta tb है ना, into tb plus plus 30। जो c है ये y इंटरसेप्ट जो है ये 30 है, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट 30 है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ta minus 30 ना, ta minus 30 is equal to 3tb divided by 2 is equal to 3tb divided by 2, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस देखें यहाँ पर, तो ये वाला आंसर जो है, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ta minus 30 divided by 150 equal to tb divided by 100। आप इसको रीअरेंज करके देख सकते हैं, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, a rod of length l is bent in form of a ring as shown in figure when the system is heated। तो देखो इसमें हमारे पास एक रॉड दे रखी है, इसको हीट कर रखा है। तो सिंपल से अगर हम जो रॉड है या कोई भी चीज को हीट करते हैं, तो उसमें दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगी। तो यहां पे ये जो डिस्टेंस दे रखी है x, ये भी इंक्रीज होगी। यहां से ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये भी इंक्रीज होगी, और ये d है ये भी इंक्रीज होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, x r एंड d इंक्रीज। तो आंसर हमारा आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये एक अच्छा सवाल है। यहां लिखा है कि 3 रॉड ऑफ इक्वल लेंथ आर जॉइंड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल abc, ठीक है। d इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा 1 फॉर ab, ठीक है। तो ये रॉड AB जो है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है ये अल्फा 1 दे रखा है, ठीक है, एंड अल्फा 2 फॉर AC एंड BC। तो AC और BC है ना, इसके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ये अल्फा 2 है, और इसके लिए भी जो है ये भी अल्फा 2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ द डिस्टेंस BC रिमेंस कांस्टेंट फॉर स्मॉल चेंज इन टेंपरेचर। तो DC मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो AB का लेंथ इंक्रीज होगा, BC का लेंथ इंक्रीज होगा, लेकिन CD जो लेंथ है ये लेंथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने के बाद जो है ये रॉड थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, ये रॉड थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, तो जो B पॉइंट है वो यहां शिफ्ट हो गया होगा B' बन के, ठीक है, B' बन के ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया होगा। शुरुआत में सारे लेंथ इक्वल है, ठीक है, और ये जो लेंथ DC है, ये DC लेंथ जो है ये चेंज नहीं हुआ होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो लेंथ है कहां से कहां तक, D से लेकर के B' तक, इसको मैं L1 बोल देता हूं, और इस डिस्टेंस को मैं L2 बोल देता हूं, और ये जो डिस्टेंस है DC, लेट्स से इसे मैं x बोल देता हूं। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस से ना, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, L2 विल चेंज विद टेंपरेचर एंड L1 विल चेंज विद टेंपरेचर, लेकिन L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर जो ये क्वांटिटी है ये टेंपरेचर के साथ चेंज नहीं होगी, मतलब x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आइडिया यहां पर ये है कि इस टर्म को हम लोग टेंपरेचर के साथ लिखेंगे और उसमें जो जो टर्म टेंपरेचर के साथ आ रहा होगा वो सब इक्वेट होकर के जीरो हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर से वो इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर अगर हम लोग L2 लिखना चाहें तो L2 को क्या लिख सकते हैं, जो इनिशियल लेंथ है यहां से यहां तक ये L0 होगा, ठीक है, उसको लिखेंगे L0 into 1 plus alpha 2 delta t का होल स्क्वायर,
माइनस, ठीक है, एल वन जो है वो यहां से यहां तक का लेंथ है, तो यहां से यहां तक का जो ओरिजिनल लेंथ था वो कितना था, वो था एल नॉट बाई टू इंटू वन प्लस अल्फा वन इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, ये क्वांटिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाए, ये क्वांटिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। तो यहां पर एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर हम यहां से लिखना चाहें एक्स स्क्वायर, तो यहां पे एल नॉट स्क्वायर बाय फोर कॉमन ले लेते हैं, एल नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा फोर टाइम्स, और वन प्लस एक्स टू दी पावर एन का बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं जो कि वन प्लस एन एक्स होता है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी, है ना, ये हो जाएगा अल्फा टू अल्फा टू इंटू डेल्टा टी, टू अल्फा टू इंटू डेल्टा टी माइनस, है ना, माइनस, और यहां पर आ जाएगा वन प्लस टू अल्फा वन इंटू डेल्टा डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं एल नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर इंटू फोर प्लस एट अल्फा टू डेल्टा टी माइनस वन, माइनस वन, है ना, माइनस वन माइनस टू अल्फा वन इंटू डेल्टा टी। अब जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है ये दोनों मिलाकर के जीरो हो जाए, तो बेसिकली ऐसा होगा कि ये जो एक्स है ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए इन दोनों टर्म में से, इन दोनों में से लेट्स से टू डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, टू डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा फोर अल्फा टू माइनस अल्फा वन, और ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो एक्स जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा वन जो है वो किसके बराबर हो जाए, फोर अल्फा टू के बराबर हो जाए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड, थर्ड, ठीक है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन बोला है, इफ टू रॉड्स ऑफ लेंथ L एंड 2L हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड 2L कनेक्टेड आर रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड सो दैट द टोटल लेंथ बिकम 3L, द एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कंपोजिट रॉड विल बी। तो देखो हमारे पास रॉड दे रखी है, एक लेंथ L की दे रखी है और एक 2L की दे रखी है। तो सिंपल से अगर मैं लिख लेता हूं, जो L अगर मैं लिख लेता हूं ये लिखूंगा मैं L1 प्लस L2, ये किसी टेम्परेचर पे मैंने लिख लिया, ठीक है, ये L इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें कितनी टोटल लेंथ हो जाएगी, यहाँ पे 3L हो जाएगी। तो अगर टेम्परेचर के साथ इसको मैं वेरी करके लिखूं तो ये लिखा जाएगा L1 प्लस इसका लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है हमें अल्फा, 1 प्लस अल्फा टी प्लस 2L, 1 प्लस 2 अल्फा टी, ये हमारे पास बन जाएगा। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये बनेगा L, इसमें हम लोग L को कॉमन ले लें सर, तो ये बनेगा L कॉमन एरिया, तो ये बनेगा 1 प्लस यहां आ गया 2 प्लस 5 अल्फा T, ये बना हमारे पास। अब अगर मैं इसको लिखता हूं तो आप इसको लिख सकते हैं L 3 प्लस 5 अल्फा T, ये लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल। अब हमसे बोला गया इसमें कि इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो L इक्विवेलेंट को अगर मैं लिखूं यहां से तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर L इक्विवेलेंट का फार्मूला लिखता हूं तो ये कुछ स्टार्टिंग में डिस्टेंस L0 मान लेता हूं, 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इनटू T, ये लिख सकते हैं इसे। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, यहां से मैं L को कॉमन ले लेता हूं, मतलब 3 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा थ्री एल वन प्लस फाइव एल्फा बाई थ्री इंटू टी, ठीक है सर। अब इससे अगर हम लोग कंपेयर कर ले तो एल नॉट जो यहाँ पे था दोनों को जोड़ के कितना आएगा, थ्री एल नॉट आएगा, थ्री एल आएगा, तो यहाँ से अल्फा इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, फाइव बाई फाइव अल्फा बाई थ्री आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, टू आइडियल गैसेस whose molar masses are m1 and m2 and temperature t1 and t2 are mixed together without any loss of internal energy. The molecular weight of the gases are m1 and m2. The final temperature of the mixture is, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास दो गैस हैं, दो गैस हैं, let's say एक n1 mole है और दूसरा n2 mole है,
पहले वाले का जो टेम्परेचर है वो टी वन है और दूसरे वाले का जो टेम्परेचर है वो टी टू है। एक बात हम लोग मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर है वो दोनों गैस की सेम मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि पहले गैस की कुछ इंटरनल एनर्जी यू वन होगी, दूसरे गैस की कुछ इंटरनल एनर्जी यू टू होगी, और ये मिला करके जो है ये टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। मतलब इसमें सर लिखा है कि इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होगी, मतलब ऊर्जा की हानि नहीं, तो मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा, ठीक है। तो अगर मैं यू वन की बात करूं तो यू वन में हम लोग लिखेंगे एन वन सी वी इन टू टी वन, है ना, ठीक है। ये पहले गैस की एनर्जी हो गई, दूसरे गैस की एनर्जी हो जाएगी एन टू सी वी इन टू टी टू इज इक्वल टू, अब दोनों गैस मिला दिए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है, एन वन प्लस एन टू है, एन वन प्लस एन टू, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा एन वन प्लस एन टू इन टू सी वी इन टू, और अब जो फाइनल टेम्परेचर है उसे हम लोग टी मान लेते हैं। तो यहां से अगर देखें तो ये सी वी और ये सी वी और ये सी वी कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको लिख सकते हैं कि टेम्परेचर टी इज इक्वल टू एन वन टी वन, यहां लिख सकते हैं एन वन टी वन प्लस एन टू टी टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन वन प्लस एन टू। एक छोटी सी बात और देखें, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। तो टोटल मास जो है वो m1 और m2 दे रखा है, मोलर मास जो है वो कैपिटल m1 और कैपिटल m2 दे रखा है। तो लेट्स से हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे, n1 को लिख लेंगे m1 डिवाइडेड बाय m1 into t1, इसी तरह से m2 डिवाइडेड बाय m2 into t2 into t2 डिवाइडेड बाय m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय M2, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो है हमारा आंसर थर्ड वाला आंसर है, थर्ड है ना, थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम आर प्लॉटेड एज़ शोन इन गिवन, एज़ शोन इन फिगर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो देखो इसमें सर हमारे पास पी और टी का ग्राफ दे रखा है, तो मतलब अपन लोग क्या कर सकते हैं इसमें, पहले मैं अगर ये जैसा लगाऊं पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी के टर्म में अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा एन आर अपॉन बी इन टू टी, ठीक है सर। तो ये जो एन आर अपॉन बी है ये क्या, ये स्लोप बता रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये स्लोप आ गया, मतलब तो एन तो कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, बी पर डिपेंड कर रहा है स्लोप हमारा। इसको अगर मैंने लिखा थीटा वन और इसको मैं लिख देता हूं थीटा टू, तो यहां से मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि एन आर अपॉन बी जो है ये क्या है, थीटा के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो थीटा वन जो है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है, लेस देन है थीटा टू से, सिंपल तो समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, बी वन बड़ा हो जाएगा किससे, बी टू से। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि बी वन बी टू इससे बड़े होंगे, बी वन जो होगा वो बी टू से बड़ा होगा। दूसरा बी वन और बी टू है स्ट्रेट लाइन में है, सेम स्लोप है, तो बी वन इक्वल टू B2 होगा और B3 इक्वल टू B4 होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन अपना आएगा जो B2 है हमारे पास वो बड़ा है किससे, B3 से। तो आंसर अपना फर्स्ट हो जाएगा इसमें, तो पहला आंसर इसका सही है, ठीक है सर जी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ n1 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस एंड n2 मोल्स ऑफ डायटॉमिक गैस has Cp by Cv gamma equal to 1.5, ठीक है। तो आपको n1 n2 में रिलेशन फाइंड आउट हमें करना है, ठीक है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम सबको याद होगा गामा मिक्सचर का, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं n1 plus n2 divided by gamma mixture minus 1 is equal to n1 divided by gamma 1 minus 1 plus n2 divided by gamma 2 minus 1। तो यहाँ लिख लें n1 plus n2 divided by गामा मिक्सचर जो 1.5 पर 1.5 माइनस 1 करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाय, अब n1 जो है ये मोनोटॉमिक गैस है, तो मोनोटॉमिक गैस है तो मोनोटॉमिक के लिए गामा कितना होता है 5/3, 5/3 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3, तो यहां पर हो जाएगा 2/3 प्लस n2 डिवाइडेड बाय डायटॉमिक के लिए गामा जो होता है वो होता है 7/5, तो 7/5 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/, ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो यहां से इसको हम लोग सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं 2n1 plus 2n2,
और यहां से 2 और आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स n1 प्लस 4 टाइम्स n2 इज इक्वल टू 3n1 प्लस 5n2, 3n1 प्लस 5n2। उसको सिंपलीफाई करके देख लें तो n1 और n2 जो है वो बराबर बराबर आ गए, तुम्हारा आंसर जो है वो पहला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए तो अगला क्वेश्चन करें, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो ये बोला है ए सॉलिड सिलेंडर, ए सॉलिड एल्युमिनियम सिलेंडर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इन फ्रिक्शनलेस बियरिंग विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एंगुलर स्पीड ऑफ सिलेंडर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो देखो सर, इसमें हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं होगा, तो क्या करें एंगुलर मोमेंटम जो है उसको कंजर्व कर देंगे। तो एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लेके चलूं तो लेके चलेंगे एल इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ये कांस्टेंट आना चाहिए बिल्कुल। तो एल को अगर मैं लिखूंगा आई ओमेगा लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया कांस्टेंट। तो आई ओमेगा अगर मैं लेके लिख चलूं तो एम एल स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा, ये सी मान लेता हूं मैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिख लूंगा इसे, ये स्मॉल एल लिखता हूं, तो वहां पे हमने कैपिटल एल यूज कर लिया, तो एल स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू ये कांस्टेंट आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दूसरा परसेंटेज पूछा इसने, तो 2 डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा ओमेगा इक्वल टू 0, ठीक है सर। आप इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 डेल्टा एल बाय एल को अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा के लिए, और माइनस आएगा हमारे पास अल्फा डेल्टा टी का, तो कितना आएगा 25 हो जाएगा, तो 25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसने हमसे पूछा क्या है परसेंटेज चेंज, तो इसको हम लोग आगे ले चलते हैं ऐसे। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं तो डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 2 डेल्टा 2 एल बाय एल, 2 डेल्टा एल बाय एल माइनस का, ठीक है। तो ये 2 यहां पे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, तो ये अल्फा डेल्टा टी 25 इनटू ये हमें दे रखा है 10 टू पावर माइनस 6 10 टू पावर माइनस 6 इनटू 100 इनटू 100, तो ये कितना हो गया 5 50 हो गया, तो कितना आएगा 5 माइनस का 5 इनटू 10 टू पावर माइनस 3, ये आंसर आना चाहिए हमारा जी बिल्कुल। तो आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर आएगा इसका माइनस 5 इनटू 10 टू पावर माइनस 3 सेकंड आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, अ स्केल इज प्रिपेयर्ड हुज लेंथ डज नॉट चेंज विद टेंपरेचर, फॉर दिस पर्पस अ मेटालिक स्ट्रिप ऑफ ब्रास एंड आयरन of different length are used. If maximum length which can be measured by the scale is 10 cm, the length of the iron and brass strips are respectively. ठीक है, तो देखिए आयरन और ब्रास का दो स्ट्रिप है और उसे यूज करके हमें एक स्केल बनाना है, तो कैसे कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं कि लेट से हमने आयरन का एक स्ट्रिप ले लिया और एक हमारे पास ब्रास का, और एक हमने ब्रास का स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, एक हमने ब्रास का स्ट्रिप ले लिया। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो आयरन का लेंथ तो जरूर बदलेगा, ब्रास का लेंथ भी जरूर बदलेगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि उन दोनों के लेंथ का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे, वो कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहे, टेम्परेचर के साथ जो है इन दोनों के लेंथ का डिफरेंस चेंज नहीं हो। अगर डिफरेंस हमेशा 10 सेंटीमीटर होता है तो हम 10 सेंटीमीटर मेजर कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि लेट से आयरन वाले का लेंथ अगर L1 है, ब्रास वाले का लेंथ अगर L2 है, ठीक है, तो एक बात तो हमारे पास क्या है, एक बात हमारे पास है कि L1 माइनस L2 जो है ये 10 के बराबर है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होने के बाद अब L1 कितना हो जाएगा, L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी माइनस L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा, और ये जो डिफरेंस है ना ये डिफरेंस L1 माइनस L2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अगर हम सिंपलीफाई करके देखेंगे तो ये L1 और ये L2 जो है ये 1 के साथ 1 के साथ ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास L1 अल्फा 1 डेल्टा t, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं L1 अल्फा 1 डेल्टा t इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा t, तो डेल्टा t दोनों तरफ आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया L1 minus L2 is equal to 10, और एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया L1 अल्फा 1 is equal to L2 अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये है इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन ये है इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करके L1 की जो वैल्यू है वो 30 आ जाएगी और L2 की जो वैल्यू है वो 20 आ जाएगी,
ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, एन आइडियल गैस इज इनिशियली एट टेंपरेचर टी एंड वॉल्यूम वी, इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा वी टू एन इंक्रीज इन टेंपरेचर डेल्टा टी, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी डेल्टा वी अपॉन बी डेल्टा टी वेरीज विद टेंपरेचर। तो सर हमें ये वाली क्वांटिटी के बारे में बात करनी है, तो इसको मैं कैसे प्रिफर करूंगा, पहले पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं यहां पे, तो यहां से मैं लिखना चालू करता हूं, या पी वी इक्वल टू एन आर टी लेके चलता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी चाहिए, तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, बी इक्वल टू अगर मैं लिखूं तो एन आर बाई पी इंटू टी, डिफरेंशिएट करें तो यह मैं लिख सकता हूं डेल्टा बी इक्वल टू एन आर बाई पी डेल्टा टी, सिंपल सा लिखा जाएगा। तो अब हमें डेल्टा जो बोला गया है वो क्वांटिटी क्या है, डेल्टा बी बाई बी इंटू डेल्टा टी, ये हमें टर्म बनाना है। तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो यहां से मैं निकाल लूंगा इसको, अगर मैं सीधे रखूं तो डेल्टा ये तो वन बाई बी है, ठीक है, इसको मैंने लिखा एन आर बाई पी, सही है सर, एन आर बाई पी हमने लिख लिया। अब ये अगर मैं इसको चेक करूं, पी बी इक्वल टू एन आर टी है, ठीक है, इस वाली इक्वेशन से अगर मैं लिखूं पी बी इक्वल टू एन आर टी, तो एन आर अपॉन पी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन बाई टी आ जाएगा। तो डेल्टा जो चलेगा वो कैसे चलेगा हमारे साथ, ये वन बाई टी आ गया, सिंपल सा कितना आ गया, डेल्टा जो चल रहा है हमारे पास वन बाई टी आ गया। तो ये क्या बन गया, हाइपर बोला बन गया, सिंपल सा। तो अगर इसका ग्राफ बनाए आपने लोग, तो इधर तो टी आ गया, इधर डेल्टा आ गया, तो ग्राफ ऐसे आना चाहिए, चेक कर लेते हैं ग्राफ कौन सा होगा, ये हाइपर बोला बन गया, तो इसका ग्राफ अगर आप चेक करें तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर, थर्ड आंसर सही है इसका। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CP and CV are the specific heat at constant pressure and constant volume respectively, है ना? CP और CV specific heat है, molar specific heat नहीं है। हाँ ठीक है, जनरली क्या होता है, हम लोग CP और CV से जो है वो molar specific heat capacity बताते हैं, पर यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि CP और CV जो है वो heat capacity है। heat capacity है। अब CP minus CV A है hydrogen के लिए, CP minus CV B है nitrogen के लिए। अब usually क्या होता है, CP और CV जब हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, तो वो गैस कौन सी है इस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब गैस के मोलर मास पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी एटोमिसिटी पर डिपेंड करता है कि मोनोटॉमिक है डायटॉमिक है। ठीक है, लेकिन जब हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि गैस का मोलर मास कितना है। तो काम करते हैं, यदि मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, है ना, यदि मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी लिखता हूं, ठीक है, तो सी का यूनिट क्या होता है, सी का यूनिट होता है लेट्स से जूल्स पर केजी केल्विन, है ना, जूल्स पर केजी केल्विन। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यदि मैं नंबर ऑफ मोल से, इसे यदि मैं नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके और नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा जूल्स पर मोल केल्विन, और ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय केजी, है ना, एक तरफ आ जाएगा। तो ये जो है, ये बेसिकली हमारा जो ये रेशियो है, ये मोलर मास आ जाएगा, मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स जो है ये मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है ये मोलर स्पेसिफिक हीट हो गई। ठीक है, तो लेट्स से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं स्मॉल सी लिख देता हूं, इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग कैपिटल सी लिख देते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो है, डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां से हम लोग क्या जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास के। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे सीपी की बात करें या चाहे सीवी की बात करें। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि ये CP माइनस CV जो है वो A के बराबर है। तो A जो क्वांटिटी होगी, अगर ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के। तो A जो है वो किसके लिए है, हाइड्रोजन। A जो है वो हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन का मोलर मास जो है वो कितना है, 2 आया। B जो है वो नाइट्रोजन के लिए है, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा, 28 होगा। तो यहां से अगर हम लोग A डिवाइडेड बाय B करेंगे, तो A डिवाइडेड बाय B जो है ये 14 आ जाएगा।
ठीक है, और तो ए जो है वो 14b के बराबर हो जाएगा, तो फर्स्ट जो है वो हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए। यस सर, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोला एन एक्सटर्नल प्रेशर पी इज अप्लाइड ऑन ए क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस सो दैट इट इज इक्वली कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड, के इज द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द क्यूब एंड अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सपोज वी वांट टू ब्रिंग द क्यूब टू इट्स ओरिजिनल साइज बाय हीटिंग। तो क्या सर, देखो इसमें पहले से कंप्रेस करा गया प्रेशर पी लगा के और यहां पे बल्क मॉडुलस दे रखा है, तो इससे रिलेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो रिलेशन अगर मैं लिखूं बल्क मॉडुलस के इक्वल टू आप बोल लिखा जाएगा डेल्टा पी अपॉन माइनस का कंप्रेस कराएंगे तो माइनस आएगा जी, डेल्टा बी अपॉन बी लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट में चलते हैं, के हमने लिख लिया जी। तो अगर मैं यहां से डेल्टा बी अपॉन बी लिखूं तो डेल्टा पी अपॉन के लिखेंगे और पी को हमें दे रखा है टी बोल दिया, इतना इस पे लगाया, ये माइनस आया हमारे पास। अब इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा डेल्टा टी लिख सकता हूँ, थ्री अल्फा डेल्टा टी जी, तो थ्री अल्फा डेल्टा टी पी वाई के। ठीक है सर, तो अब इसमें हमसे बोला है यदि तो उसके तापमान में कितना गुना बढ़ाना होगा, तो इसको यहां से मैं डेल्टा टी अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा, पी अपॉन थ्री के अल्फा, थ्री अल्फा के ये बनेगा। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर कौन सा आएगा इसका, थर्ड हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा जी। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ करंट कैरिंग वायर हीट्स अ मेटल रॉड, वायर प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पावर पी टू द रॉड, द मेटल रॉड इज इनक्लोज्ड इन एन इंसुलेटिंग कंटेनर, इट इज ऑब्जर्व दैट the temperature T in the metal rod changes with time as T equal to T naught 1 plus beta T to the power 1 by 4, where beta is a constant, ठीक है, with appropriate dimension, while T naught is a constant with dimension of temperature, the heat capacity of the metal is, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें कुछ data दे रखा है वो लिख लेते हैं, तो data दे रखा है temperature का, temperature is equal to T naught 1 plus into 1 plus beta 1 plus beta into t to the power 1 by 4, ये हमें दे रखा है और हम इसे कांस्टेंट पावर p से जो है हीट कर रहे हैं और हमें बताना है मोलर स्पेसिफिक, सॉरी हमें बताना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, हीट कैपेसिटी बताना है, तो हम हीट कैपेसिटी जानना चाहते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करें। लेट्स से अगर हम बात करते हैं q की, तो q को हम लोग लिख सकते हैं, लेट्स से हीट कैपेसिटी को अगर हम लोग h लिखेंगे तो लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा डेल्टा t, या फिर इसको ऐसा लिख लेते हैं dq लिख लेते हैं, तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इनटू डेल्टा। ठीक है, dq को क्या लिख सकते हैं, dq को लिख सकते हैं p dt। तभी ध्यान देना चाहिए कि स्मॉल t जो है वो टाइम है और कैपिटल t जो है वो टेंपरेचर है। अब यहां से हमें चाहिए हीट कैपेसिटी इनटू dt, तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसे एक बार रख लेते हैं। यहां पर हमें dt है ना, तो ऐसा करते हैं इस टाइम को एक बार डिफरेंशिएट कर लें, इस टाइम को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से मिलेगा dt डिवाइडेड बाय dt, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा t नॉट इनटू बीटा इनटू 1/4 इनटू टेंपरेचर की पावर में माइनस 3/4, टेम्परेचर की पावर में माइनस माइनस 3/4। तो यहां से हमारे पास क्या मिल गया, यहां से हमारे पास, तो यहां से हम लोग स्मॉल dt जो है, स्मॉल dt की वैल्यू यहां से निकाल करके फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, तो हो जाएगा p is equal to स्मॉल dt को क्या लिखेंगे, सॉरी नॉट p is equal to p into और स्मॉल dt के बदले लिखेंगे कैपिटल dt डिवाइडेड बाय t नॉट बीटा 1/4 का 4 ऊपर चला जाएगा इनटू t की पावर में माइनस 3/4, t की पावर में माइनस 3/4 और ये बराबर हो जाएगा हीट कैपेसिटी इनटू dt। तो ये वाला dt और ये वाला dt कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे अगर थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें तो यहां से हीट कैपेसिटी अपने पास कितना आ जाएगा, 4 times power divided by beta t naught divided by beta t naught इनटू टेंपरेचर की पावर माइनस 3/4 है, तो ये आ जाएगा टेंपरेचर की पावर 3/4। तो टेंपरेचर की पावर 3/4 को ऐसा लिख सकते हैं, टेंपरेचर की पावर 1/4 और q। अब देखिए यहां से ना टेंपरेचर की पावर 1/4 ये क्वांटिटी निकालना चाहते हैं, ये क्वांटिटी निकाल करके इसमें रख दें, तो टेंपरेचर की पावर अगर 1/4 अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो हो जाएगा t माइनस t नॉट डिवाइडेड बाय बीटा t नॉट डिवाइडेड बाय बीटा t नॉट
डिवाइडेड बाई बीटा टी नॉट। इस क्वांटिटी को हम यहां रख देते हैं, तो यहां से हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4P डिवाइडेड बाय बीटा टी नॉट इनटू टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय बीटा टी नॉट, बीटा टी नॉट इसकी पावर में 3 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 4P टी माइनस टी नॉट का होल क्यूब डिवाइडेड बाय बीटा फोर टी नॉट बाय टी नॉट की पावर 4। बच्चे कर लेते हैं आंसर। तो ऑप्शन अगर देखें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड आंसर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, है ना, फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, रेफर द प्लॉट ऑफ टेंपरेचर वर्सेस टाइम फिगर शोइंग द चेंज इन स्टेट ऑफ आइस ऑन हीटिंग नॉट ऑन स्केल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें हमें यह पूछ रहा है कि मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो ये हमें टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ दे रखा है सर। बिल्कुल, तो एक बात तो हमें कंफर्म है कि हमारे पास ये 100 टेम्परेचर है ना, तो यहाँ पे ये लिक्विड भी होगा और गैसेस भी होगी। तो अगर ये यहाँ पे लिक्विड है और ये क्या होगा, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है 100 तक, तो ये तो कंफर्म है ये लिक्विड ही होगा। बिल्कुल, ये तो हमने लिख लिया कि ये लिक्विड ही होगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा ये 0 डिग्री होगा हमारे पास जी, और 0 पे है तो क्या हो रहा है, हमारे पास आइस भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट बोला रीजन ए बी रिप्रेजेंट आइस एंड वाटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही हो गया, तो पहला तो सही हो गया जी। तो अब ये बोला है एट, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, एट बी स्टार्ट, नहीं वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, तो बी पे बॉइल नहीं होगा, बॉइल कहां होगा 100 डिग्री बॉइल, तो दूसरा तो गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। फिर आगे बोला एट सी ऑल वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, तो सी पे यहां पे क्या होगा, हमारे पास लिक्विड भी होगा और स्टीम भी होगा, तो हमारा थर्ड भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, ठीक है, तो थर्ड हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ये बोला सीडी रिप्रेजेंट वाटर एंड स्टीम इन इक्विलिब्रियम एट बॉइलिंग पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये तो हम लोगों ने बता दिया। तो ये क्या होगा, यहां पे लिक्विड भी है और स्टीम भी है प्लस स्टीम भी है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। तो दो आंसर इसमें सही हो गए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने लोग जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस हैव ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एट हाई टेम्परेचर दे मे ऑल्सो हैव वाइब्रेशनल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एट हायर टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर छोटा होता है तो हम क्या जानते हैं, वहां पर ट्रांसलेशन की क्या एनर्जी होती है, रोटेशन की क्या एनर्जी होती है, हायर टेम्परेचर पर वाइब्रेशन की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर पर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करनी है। अगर हम मोनोटॉमिक गैस देखें तो मोनोटॉमिक गैस में वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, रोटेशन भी नहीं हो सकता है, तो ट्रांसलेशन के कारण जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ होगा और वो 3R/2 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट अगर सही हो गया तो सेकेंड ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डायटोमिक गैस की बात करते हैं, तो अगर लोअर टेम्परेचर पर देखें तो डायटोमिक गैस में ट्रांसलेशन के कारण 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशन के कारण 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कुल मिला के 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए। तो लोअर टेम्परेचर पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 5R/2 होनी चाहिए, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम और आ जाएंगे और बढ़ जाएगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ने के कारण जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, आंसर जो है फोर्थ हो जाना चाहिए कि 5R/2 से ज्यादा भी हो सकता है और थर्ड गलत, पर फोर्थ सही हो गया तो थर्ड ऑटोमेटिकली गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करें, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, तो 16 बोला है इन फिगर हियर शोस 4 पाथ ट्रैवर्स्ड बाय ए गैस ऑन पीवी डायग्राम, ये डेल्टा U1 डेल्टा U2 डेल्टा U3 एंड डेल्टा U4 आर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पाथ, देन चूज द इनकरेक्ट रिलेशन। तो हमें इसमें इनकरेक्ट रिलेशन चूज करने, तो एक बात तो सर हमें समझ में आ रही है, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ग्राफ कौन सा है, V equal to nRT आएगा हमारे पास जी, तो ये हाइपरबोला हमारे पास बन रहा है जी, सिंपल सा, तो मतलब P में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा 1/V के साथ होगा, तो इसका मतलब हुआ अगर ये 1/V है तो इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर जो हो गया वो क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो मतलब ये जो ग्राफ हमें दिए हुए हैं ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और वैसे भी यहाँ पर भी ग्राफ में लिखा हुआ है कि इन ग्राफ का जो टेम्परेचर है वो T1, T2 और T3 तो दिया हुआ है, इससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखो अब जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहां से चाहे मैं यहां से यहां तक जाऊं या इस तरीके से जाऊं तो टेम्परेचर डिफरेंस ही हो रहा है, बिल्कुल, तो मतलब डेल्टा U1 और डेल्टा U2 ये दोनों तो सेम होंगे, तो इसको मैं लिख लेता हूं कि डेल्टा U1
इक्वल टू डेल्टा यू टू होगा। ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले बात की, तो यहां से यहां तक आ रहे हैं तो ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो गया जी, और इस वाले पाथ के थ्रू आ रहे हैं तभी टेम्परेचर डिफरेंस हमारा क्या है इससे ज्यादा है, मगर इसके जो पहले वाले उसके बराबर है, और जो इंटरनल एनर्जी है हमारे पास वो पाथ पर डिपेंड करेगी नहीं जी, तो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। तो यहां से यहां तक की जो एनर्जी होगी डेल्टा यू थ्री और डेल्टा यू फोर बराबर यू फोर ये दोनों बराबर होंगे। तो मैंने लिखा डेल्टा यू थ्री इक्वल टू डेल्टा यू फोर, ये दोनों बराबर हो गई जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमें ऑप्शन में कंपेयर करना है जी, तो ये कंफर्म है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो डेल्टा यू वन डेल्टा यू टू तो बराबर होगा, मगर ये कम होंगे किससे यू थ्री और यू फोर से, यू थ्री और यू फोर से कम होंगे। तो इसको अगर मैं सही से लिखू तो नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं अपने लोग, इस पे लिख देते हैं कि डेल्टा यू वन इक्वल टू डेल्टा यू टू कम होगा किससे डेल्टा यू थ्री और डेल्टा यू फोर से, यू फोर से। अब इसमें हमें चूज करने हैं इनकरेक्ट इनकरेक्ट, तो पहला वाला तो सही है जी, दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है डेल्टा यू वन इक्वल टू डेल्टा यू टू इक्वल टू डेल्टा यू थ्री एंड डेल्टा यू फोर, तो ये तो गलत हो गया जी, बिल्कुल गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया जी, तो सेकंड वाला भी गलत हो गया और फोर्थ वाला भी गलत हो गया, तो इनकरेक्ट हमें पूछे तो इसके आंसर हो जाएंगे टू थ्री और फोर, तीन आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। द हीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल इज मेड ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल and diameter T. It takes 4 minutes to raise the temperature of 0.5 kg water by 40 Kelvin. ठीक है। This heater is replaced by a new heater having two wires of same material each of length L and diameter 2D. ठीक है। The way these wires are connected is given in the options. How much time in minutes will it take to raise the temperature of the same amount of water by 40? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये बार डेटा लिख लेते हैं सर इसका, नहीं आप तो देखिए अगर हम वायर की बात करें रेजिस्टेंस की बात करें है ना, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है रो एल डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो पहला जो वायर है उसका लेंथ है और कुछ एरिया है, दूसरा वायर जो है उसका लेंथ सेम है और हमने उसके डायमीटर को डबल कर दिया, डायमीटर डबल कर देंगे तो एरिया फोर टाइम्स हो जाएगा, एरिया फोर टाइम्स हो जाएगा तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस आर डैश लिखूंगा बाद वाला है ना, तो ये हो जाएगा आर बाय फोर, तो रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4 टाइम्स। अब इसको हम लोग दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो सीरीज में कर सकते हैं या पैरेलल में कर सकते हैं, या तो सीरीज में करेंगे या पैरेलल में करेंगे। सीरीज में R by 4, R by 4 करेंगे तो सीरीज में ये कनेक्ट होकर के R by 2 हो जाएगा, पैरेलल में R by 4, R by 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये R by 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज में R by 2 हो जाएगा, तो इनिशियली जो है वो रेजिस्टेंस R था, ठीक है। बाद में या तो सीरीज में करेंगे या पैरेलल में करेंगे, सीरीज में करेंगे तो R by 2 और पैरेलल में करेंगे तो R by 8, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी कोई पानी है उसको कोई अमाउंट ऑफ पानी है उसे गर्म करना है, गर्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम बात करते हैं कि लेट्स से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और डेल्टा क्यू को जो है लिख सकते हैं अगर सेम अमाउंट ऑफ पानी है तो उसको गर्म करने के लिए चाहे कितनी बार भी गर्म करें तो एनर्जी तो उतनी ही देनी पड़ेगी। तो यहां से अगर हम लोग टाइम लिखेंगे, ठीक है, तो टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पावर के, यहां से हम लोग लिख सकते हैं टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल और पावर को लिख सकते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो टाइम जो है टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर मैं सीरीज वाले समय में देखूंगा है ना, सीरीज वाले समय में देखूंगा तो रेजिस्टेंस आधा हो गया तो टाइम भी आधा हो जाएगा, पहली बार में जो टाइम लगा था वो 4 मिनट लगा था तो इस बार जो टाइम लगेगा वो कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, रेजिस्टेंस आधा हो गया तो टाइम आधा, और इस बार रेजिस्टेंस 1/8 हो जाएगा तो टाइम भी 1/8 हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा तो इस बार जो टाइम लगेगा वो 0.5 मिनट्स लगेगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर देख लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2 इफ द वायर्स आर इन सीरीज एंड 0.5 इफ द वायर्स आर इन पैरेलल, तो सेकंड और फोर्थ हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, तो 18 क्वेश्चन बोल रहा है, ये 18वां क्वेश्चन, ए सब्सटेंसेस इज इन सॉलिड फॉर्म एट 0 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू दिस सब्सटेंस and its temperature are plotted in the following graph. If relative specific heat
कैपेसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस इज 0.5 फाइंड फ्रॉम द ग्राफ। तो एक ही हमें पैराग्राफ दे रखा है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, उसको सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट बोला था मास ऑफ सब्सटेंस, तो मास हम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करता है, यहां से यहां तक की जो हीट है, यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जो हीट है ये टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आएगी, तो इसकी रिलेटिव स्पेसिफिक हीट हमें दे रखी है। तो मैं फार्मूला लगा सकता हूं क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको मैंने लगाया क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो क्यू यहां से कितना आ रहा है 1000। इसको मैंने एस को लिखा, एम तो एम रहेगा, एम ही हमें पूछा है, एस आ जाएगा हमारे पास 0.5 दिया तो 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, और डेल्टा टी कितना है 80। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो एम जो बनेगा वो आ जाएगा 1/5 × 8 या एम इक्वल टू आ जाएगा 1/40। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.025 kg। पहला तो ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अभी बोला था स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस। तो मेल्टिंग प्रोसेस क्या होगी, यहां पे होगी ये वाली। तो यहां पे अगर मैं क्यू लिखूं तो ये जो कितना आ रहा है, ये कितना आएगा डेल्टा क्यू, अगर मैं यहां पे लिखूं वो कितना आ जाएगा 2000 - 1000, तो ये आ जाएगा 1000। तो मास हमें पता है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, तो डेल्टा क्यू मैंने यहां पर लिख लिया, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल, और ये आ गया हमारे पास 1000 × 0.025 यहां से एल, इसको 40000, ये 40000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो बोला है नेक्स्ट पार्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंसेस इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट तो हमारे पास यहां से स्टार्ट होगी, तो इसके लिए वही फार्मूला लगेगा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो क्यू डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 600 आ जाएगा। तो इसके लिए मैं लिख लेता हूं जो सी पार्ट है डेल्टा क्यू, ये कितना आ गया 600। तो डेल्टा क्यू को मैं लिखूंगा एम एस डेल्टा टी, तो ये 600 मास हमारे पास 0.025 s इनटू डेल्टा टी, हमारे पास कितना है डेल्टा टी, इसमें जो दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग रखेंगे तो s यहां से कितना बनेगा 600 आ जाएगा, 600 कैलोरीज, 600 कैलोरी आ जाएगा, कैलोरीज पर केजी डिग्री सेल्सियस, पर केजी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस जी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। क्वेश्चन 19 देखिए, अ कैलोरीमीटर कंटेन्स 10 केजी ऑफ वाटर एंड सम आइस, ठीक है, 10 केजी वाटर है और कुछ आइस है। द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम व्हेन द कैलोरीमीटर इज हीटेड ओवर अ स्लो बर्नर इज एज शोन। अब देखिए, जब शुरू में हमारे पास वाटर और आइस का मिक्सचर है, इसका मतलब है कि जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वो डेफिनेटली 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ने लगा, इसका मतलब यहां पर हमारे पास क्या था, आइस वाटर का मिक्सचर था, और यहां पर जो हमारे पास कंप्लीट वाटर हो गया होगा, ठीक है। और इसे हम लोग कांस्टेंट रेट से हीट दे रहे हैं, तो लेट्स से जो कांस्टेंट रेट है उसे अगर मैं पी बोलूं, तो टोटल जो हीट हमने दिया होगा लेट्स से पी, और यहां से यहां तक कितने टाइम के लिए हीट दिया, तो पी इंटू 50 × टाइम, इतना हीट दिया, ठीक है। और इस हीट के कारण क्या हुआ होगा, जो वाटर है उसका तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा होगा, उसमें कुछ चेंज भी नहीं हुआ होगा, जो आइस है वो मेल्ट हो गया, उस वो मेल्ट हो गया होगा। तो लेट्स हम लोग मान लेते हैं कि आइस जो है वो, आइस का मास अगर m है, m इनटू आइस की जो लेटेंट हीट है उसे हम लोग 80 मान लेते हैं, लेट्स से कैलोरीज में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा m इनटू 80, तो ये हमारा फर्स्ट डिग्री, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं 50 से लेकर के 60 मिनट की बात करूं, तो ये 10 मिनट का टाइम है, कि 10 मिनट में जो हमने हीट दी होगी वो दी होगी P into 10, और अब जो हमारे पास टोटल मास होगा यहां से यहां तक, है ना, ये जो m kg का आइस होगा ये भी मेल्ट हो गया होगा, ये वाटर बन गया, 10 kg का वाटर और होगा, तो टोटल मास हो गया m+10, m+10, तो ये हो जाएगा m+10, और फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ms डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1 और इनटू यहां से यहां तक जो टेंपरेचर चेंज हुआ है वो 2 डिग्रीज का होगा। तो लेट्स से इसका हम यहां से रेशियो ले लेते हैं, तो ये से p और p कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स, तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय m प्लस
10 है ना, m डिवाइडेड बाय m प्लस 10 इनटू 40 है। इसको हम लोग सॉल्व करके अगर m की वैल्यू देखेंगे ना तो m की वैल्यू जो है वो लगभग में 1.4 केजी आ जाएगी। ठीक है, तो 1.4 केजी हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, ए मेटल कंटेनर ऑफ मास 500 ग्राम कंटेन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ए ब्लॉक ऑफ आयरन आल्सो मास 200 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप इनटू वाटर, फाइंड द इक्विलिब्रियम टेंपरेचर ऑफ वाटर गिवन दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल ऑफ कंटेनर एंड आयरन एंड देन दैट ऑफ वाटर। ये हमें स्पेसिफिक हीट दे रखी है। ठीक है, तो अब है क्या सर इसमें, देखो हमारे पास एक तो मेटल कंटेनर है उसका ग्राम हमें 500 ग्राम दे रखा है जिसमें 200 ग्राम पानी है, और ये क्या है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है। तो अगर अपन लोग क्या करें इसको बनाएं, तो ये एक कंटेनर है और इसमें ये वाटर है, तो इसको मैं मास ऑफ वाटर को अगर मैं लिखूं तो ये हमें कितना दे रखा है 200 ग्राम दे रखा है जी। ठीक है, और जो मेटल का है इसका जो मास हमें दे रखा है 500 ग्राम, ये 500 ग्राम इसको मैं मास ऑफ वेसल लिख लेता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बोल रहा है ए ब्लॉक ऑफ आयरन आल्सो ऑफ मास 200, मतलब एक आयरन का ब्लॉक लिया हमने और इसको इसमें ड्रॉ करा, तो इसका जो मास दिया हुआ है 200 ग्राम, मास ऑफ आयरन ये हमें दिया हुआ है 200 ग्राम जी। तो और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो होगा क्या इसमें, इसका टेम्परेचर तो ज्यादा है जी, तो मतलब क्या करेगा ये हीट देगा जी और ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर है इन दोनों के लिए अगर टेम्परेचर मैं टी मान लूं तो इक्वेशन लिख देते हैं कैलोरीमेट्री की जी। ठीक है, कि मतलब आयरन की जो हीट होगी हाँ वो कहां जाएगी, ये दोनों ऑब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो आगे इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं तो यहां लिख लेते हैं हीट गिवन बाय आयरन इक्वल टू आ जाएगा हीट एब्जॉर्ब बाय जो बेसल होगा प्लस वाटर। ठीक है, तो टेम्परेचर हमने कितना माना है टी माना है, तो इसको अगर मैं लिखूं ये कितना हीट देगा मास ऑफ आयरन इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ आयरन आयरन, और टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस टी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब ये वाटर के लिए हमें दे रखा है तो इसको मैं लिख लेता हूं मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और यहां पे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा टी माइनस 20 डिग्री सेल्सियस में है, 600 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो डिफरेंस लेना है जी। तो दूसरा अगर आप लोग लिखें तो ये लिखा जाएगा मास ऑफ वेसल स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल, और फिर यहां पे आ जाएगा टी माइनस 20 ये आएगा। तो अब इसमें जो हम लोग सब डेटा रखेंगे जी, तो सॉल्व करके आंसर बता देते हैं जी। हां, तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर सर इसका आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 26.56 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 26.56 डिग्री सेल्सियस ये आंसर आ जाएगा जी। ठीक है सर, चल तो आज के लिए इतना ही है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए हमने सॉल्व कर दिए हैं, एक बार जो है इनको आप जो है प्रैक्टिस खुद से भी कीजिए। तो अगली क्लास में जो है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के साथ मिलेंगे।